ये देखो भाई क्या गंदा गेम प्ले के साथ, बट नहीं हंटर ने यहाँ पर रोक दिया है शिवम भाई को। और गाइस क्या है, गंदा वाला हेडशॉट के साथ हंटर खत्म किया है शिवम। साइक, दैट्स द रॉन्ग नंबर। सही ना? ओ माय गॉड, ईएमपी का पूरा रेड नंबर के साथ भाई इस राउंड में हो चुके स्टार्ट। और ये देखो भाई, मतलब गोली चला रहे हैं भाई, बंदे डाउन कर रहे भाई, खतरनाक हेडशॉट है। और ये लास्ट प्लेयर हंटर बचाए। हेलो 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 ब्रदर्स लोग, कैसे हो यार? चलो जल्दी फटाफट से आ जाओ। अरे भाई कौन आ गया, देखो यार। हेलो शिवम भाई, क्या हाल चाल है? तुम्हारा ही लाइव देख रहा था भाई। ओह थैंक यू सो मच। चलो आप क्या करना पसंद करोगे बताओ, कस्टम खेलोगे? हाँ, 1v4 करने के लिए आया हूं। अच्छा 1v4 करने के लिए आए हो, तो चलो आप रेडी हो ना कस्टम के लिए? हाँ रेडी हूं, बनाओ कस्टम। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। सो गाइस फाइनली आ चुका है NXT शिवम भाई। पहले भी इनका गेम प्ले हम लोग देख चुके हैं और आज फिर से आ चुके हैं एक और बार 1v4 खेलने के लिए। और 1v4 खेलने के लिए सामने मैंने रख दिया है ओपी हंटर, जो कि काफी बढ़िया खेलते हैं, डी गेमिंग आर्मी के प्लेयर से पाब्लो एस्कोबार, जो भी डी गेमिंग आर्मी के प्लेयर से भाई, एकदम काफी बढ़िया प्लेयर से, तगड़ा प्लेयर से। स्नाइपर को आप जानते ही होंगे, स्नाइपर बहुत गंदा खेलता है। और ये आयुष भाई, तो मजा आएगा गाइस, बस दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। ओ ए भाई साहब, यार बात करते करते हो चुके हैं हंटर डाउन भाई। क्या गंदा हेडशॉट था, और इसी हेडशॉट के साथ साथ एक लाइफ तो बनता है। और 7 राउंड का कस्टम है, तो भाई कुछ जलवा तो दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो यार देख लेते हैं शिवम भाई का गेम प्ले कैसा रहेगा, क्योंकि भाई ने बोला है कैरेक्टर स्किल ऑन रखने का, तो मैंने कैरेक्टर स्किल ऑफ रखने के लिए बोला था। भाई देखो यार क्या ही रेड नंबर पड़ रहे हैं NXT शिवम भाई की। ओ माई गॉड, एक और को नॉक उठाया इधर। और गाइस क्या लग रहा है भाई, बंदे के अंदर मतलब पहले राउंड से ही इतना खौफ, मतलब डर जो बंदे के अंदर बैठ जाएगा ना सामने के वाले की, भाई वो निकालना बहुत मुश्किल हो पाएगा। और इसी के साथ साथ एक और गंदा वाला हेडशॉट के साथ शिवम भाई पूरा का पूरा, मतलब क्या ही बोले, पूरा एग्रेसिव गेम प्ले दिखा रहा है आज एकदम। और भाई एग्रेसिव गेम प्ले की बात करें तो भाई NXT शिवम, NXT प्रदीप, NXT अंकित भाई, इन लोग सभी लोग आए भाई गंदा वाला हेडशॉट के साथ। एक राउंड अपने नाम करते हैं, वो भी पहला राउंड अपने नाम कर लिया है भाई, एकदम बढ़िया यार। चलो जलवा है हमारा। तो गाइस आ चुके हैं हम एकदम सेकेंड राउंड पर, और पहला राउंड जो अंकित भाई ने, नहीं सॉरी यार शिवम भाई ने जो खेला है ना भाई साहब, एकदम लाजवाब, बोले तो एकदम लाजवाब है। और गाइस इधर देखो यार, चारों बंदे के अंदर अभी थोड़ा सा डर तो बैठ गया है, क्योंकि यार क्या खतरनाक हेडशॉट के साथ चारों बंदे को भाई क्या ही खत्म किया था। लवली यार अंकित शिवम भाई, अरे यार बार बार एनिक के नाम देखता हूँ तो अंकित भाई की याद आता है मेरे को, तो कोई ना। ओ माय गॉड, ईएमपी का पूरा रेड नंबर के साथ भाई इस राउंड में हो चुके स्टार्ट। और ये देखो भाई, मतलब गोली चला रहे हैं भाई, बंदे डाउन कर रहे भाई साहब, क्या खतरनाक हेडशॉट है। और ये लास्ट प्लेयर हंटर बचाए बस। ओ माय गॉड, खतरनाक शिवम भाई, यार मानना पड़ेगा आपका गेम प्ले एकदम भाई साहब, यार एकदम। तो फाइनली गाइस आ चुका हम 3rd राउंड पर, और दोनों लगातार राउंड शिवम भाई ने जो ऐसा गेम प्ले दिखाया है ना भाई साहब, सामने वाले बंदर बस बोलेगा कि हैकर है भाई, हैकर है, ये हैकर है भाई एकदम लिटरली, यार वो बोलेगा ही बोलेगा पक्का है भाई। 3rd राउंड पे कुछ कमाल का शॉट दिखने को मिल सकता है या फिर नहीं, ये तो गेम प्ले देखकर आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और ये देखो भाई, बोलते बोलते एक बंदे हो चुके डाउन, और पीछे से भी पड़ते हैं, बट नहीं थी शिवम भाई, ये क्या था भाई, ये एकदम नूबक जैसे कर रहा था, बट नूबक करते करते एक को इतना गंदा हेड मार दिया ना भाई साहब, काबिले तारीफ है ब्रो, एकदम सही है, लगातार 2 राउंड जीतना। ओ माय गॉड यार, क्या खतरनाक गेम प्ले के साथ स्टार्ट हो चुका। और ये देखो, ये और एक डेजर्ट का फटका, और एकदम भाई ऑल भाई, मतलब हर एक राउंड की तरफ हंटर सबसे पहले, सबसे लास्ट। और ये देखो भाई, मतलब भाई आप लास्ट में आओ या फिर फास्ट में, आपको तो मरना ही मरना है, बस इतना ही है भाई। क्या गेम प्ले है शिवम भाई यार, क्या लवली गेम प्ले है एकदम।
भाई भाई भाई, पिछला 3 राउंड जो मैं गेम प्ले देख रहा हूँ ना, मेरा दिमाग हैंग हो गया है। और हम आ चुके हैं 4th राउंड पर। और गाइस क्या लग रहा है कि 4th राउंड वो लोग ले सकता है या फिर शिवम भाई फिर से एक और गंदा वाला क्लच मार के दिखा देगा। ओरे भाई भाई, गन स्विच कर रहे हैं तो बंदे डाउन हो रहे हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है हम लोगों को। गन का साउंड भी नहीं आ रहा है, फायर का साउंड भी नहीं आ रहा है। ये देखो भाई क्या यूएमपी का रेड नंबर के साथ बस दोनों बंदे को डाउन कर दिया है और बाकी बस 2 बचे हैं। और भाई मुझे लग रहा है कि मैं किसी 4 नूब को अंदर भेज दिया। और ये देखो भाई, ये एक और तगड़ा डाउन कर दिया है शिवम भाई ने। भाई साहब मतलब 3 गन जो चला रहे हैं ना, और ये भाई भाई 7-0 पेलने का इरादा है क्या शिवम भाई? तो लगातार 4 राउंड जीतने के बाद 5 राउंड की तरफ आगे बढ़ते हुए शिवम भाई। और भाई सब बग मतलब मेरे को लग रहा है, लिटरली मेरे को लग रहा है कि मैं किसी 4 बॉट को अंदर भेज दिया है और शिवम भाई बॉट की तरह उन लोगों को पेल रहा है। ओ नो भाई, गंदा वाला एक गोली मिस, दूसरा गोली डाउन। बस यार आप एक गोली मिस करोगे तो सेकेंड वाले आपके हेड पर ही लगेगा, इतना ही आप याद रख लेना। अगर मारना है तो पहली गोली में मार दो, नहीं तो भाई आपको मरना पक्का है। थोड़ा सा होल्ड करते हुए शिवम भाई अपने इधर, हंटर भी एकदम पूरा दिमाग ला के खेलते हुए। बट पैक के अंदर नो फाइट इन पैक। एक बंदे हो चुके हैं खत्म, फिलहाल हम 5th राउंड पर पहुंच चुके हैं। और गाइस क्या 4 राउंड गंदा गेम प्ले देखने को मिला था। और नहीं, इस बार 4 बंदे एक साथ रश करते हुए शिवम भाई के ऊपर। और गाइस क्या लग रहा है कि इस बार राउंड कौन लेकर जाएगा, क्योंकि यहाँ से कमबैक करना मतलब बहुत गंदा वाला सीन होगा। और ये देखो स्नाइपर का एक बॉडी शॉट पड़ चुका है और इसी बात पे 1 राउंड अपने हाथ से निकल गया है। सो लोग आ चुके हैं हम एकदम 6th राउंड पर, और पिछला राउंड स्नाइपर ने एकदम बॉडी शॉट मार के जो शिवम भाई को खत्म किया है ना भाई, उसका गुस्सा शिवम भाई तो जरूर निकलेगा। बट यार चारों बंदे एकदम थोड़ा सही खेलते हुए हैं और एक एक करके नहीं आ रहे। अभी 4 बंदे एक साथ रास कर रहे हैं और शिवम भाई का हेडशॉट अभी उतना अच्छा नहीं पड़ रहे हैं, बट पता नहीं क्यों। और देखो यार भाई गन फायर कर रहे हैं, मतलब फायर का आवाज भी नहीं आ रहा और पीछे ग्लू वॉल मारने का तरीका कुछ अलग लेवल का ही दिखने को मिला इधर। और ये गया भाई एक नॉक स्नाइपर को दिया इस बार, पहली मतलब एकदम स्नाइपर को दे दिया। और एक और फ्लो प्लेयर डी गेमिंग की तरफ से हंटर। और ये देखो भाई क्या ही रेड नंबर शिवम भाई, यार पूरा यूएमपी का रेड नंबर के साथ खेलते हुए। और देखो वो देखो उधर हंटर एंड आयुष भाई दोनों एक साथ रह रहे हैं और इधर पाब्लो एस्कोबार एकदम इधर लेफ्ट साइड पर है। तो देखते हैं भाई इस राउंड कौन लेकर जाएगा, क्योंकि पिछला राउंड स्नाइपर ने तो कर दिए थे, बट इस बार मुझे लग रहा है कि शिवम भाई इस राउंड को हाथों से जान नहीं देगा। गंदा ही गंदा नॉक निकल रहा है, आप लोग देख रहे हो ना क्या गंदा गंदा हेडशॉट मार रहे हैं। और भाई लोग शिवम भाई भाई चलो यार सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और ये देखो एक और गंदा वाला हेडशॉट के साथ शिवम भाई के हाथों से 5 राउंड आ चुका है। भाई क्या एक गंदा वाला हेडशॉट देखने को मिल रहा है हम लोगों को। और फाइनली गाइस हम आ चुके हैं एकदम 7th राउंड पर, और 7th राउंड में से 5 राउंड शिवम भाई अपने नाम कर लिए हैं और 1 राउंड भाई डी गेमिंग आर्मी के प्लेयर्स ने ले लिए थे। तो देखते हैं कि इस बार भी कुछ गंदा वाला हेडशॉट दिखने को मिल सकता है हम लोगों को या फिर नहीं। बट ये देखो थोड़ा होल्ड करके खेलते हुए और बोल रहे हैं कि तुम लोग राज करो, क्योंकि तुम लोग 4 बंदे हो। और इसी के साथ साथ पाब्लो एस्कोबार भाई का क्या गंदा वाला हेडशॉट, एकदम लवली भाई 2 राउंड हाथों से निकल चुका है शिवम भाई की, एकदम लवली हेडशॉट के साथ खत्म किया है शिवम भाई को। इस बार थोड़ा वेट करो क्योंकि मैंने बोला ना मौसम बिगड़ने वाला है। तो भाई का क्या गंदा गंदा हेडशॉट देखने को मिल रहा है। और ये देखो भाई डाउन ही हुआ, बस 194 का हेडशॉट पड़ा है भाई, लवली हेडशॉट पड़ा था उसको। अरे बाप रे बाप, इधर आयुष भाई भी एकदम खतरनाक हेडशॉट मारते हुए। चलो एक और राउंड हाथों से निकल गया शिवम भाई की। तो कैसे आ चुका है हम एकदम 9th राउंड पर और 3 राउंड भाई के हाथों से निकल चुका है और 5 राउंड भाई के तरफ आ चुका है। और इस बार भाई एकदम पूरा चारों के 4 बंदे जो होता है ना भाई, चारों के 4 बंदे थोड़ा होल्ड करके खेलते हुए।
क्योंकि यार अभी ग्लूवाल से बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि ग्लूवाल से बाहर निकलूंगा ना तभी जाके हम लोगों को हेडशॉट पड़ रहा है। तो अभी तो भाई हम ग्लूवाल के बाहर नहीं निकलेंगे। और ये देख भाई, बोलते बोलते एक बंदा हो चुका है डाउन, और ये गया सेकेंड नंबर भाई, सेकेंड प्लेयर भी डाउन हो चुके हैं। और क्या ही बात करें भाई, थोड़ा सा ग्लूवाल से बाहर आओ तो आप एकदम खत्म हो जाओगे, यही बात है शिवम भाई की। और गाइस क्या ही हेडशॉट खाने का, मतलब भाई थोड़ा सा अभी तो उन लोगों के अंदर भी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है कि यार इतना गंदा मार रहे हैं हम लोगों को, हम भी चार बंदे होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। बट यार हम लोग भी एकदम भाई, बोला ना मैं एकदम थोड़ा सा ग्लूवाल से बाहर आ रहा है तो बस बंदे डाउन और खत्म। और ये गया हंटर के ऊपर एकदम सीधा लाल कलर का हेडशॉट, और छह राउंड अपने नाम करते हुए। सैल्यूट शिवम भाई, यार क्या लवली गेम प्ले के साथ आप खेल रहे हो भाई, एकदम बढ़िया। हाँ एनएक्सटी शिवम भाई, भाई नाम याद रख लेना भाई, छह राउंड जो निकाला है ना भाई, एकदम क्या ही गजब का हेडशॉट के साथ पूरा वेंटअप 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 खेल रहे बंदे। और आ चुके हैं हम एकदम लास्ट राउंड पर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एनएक्सटी शिवम भाई इस राउंड पे खत्म कर देगा सभी लोगों को और गेम अपने नाम कर लेगा। और के देखो भाई क्या गंदा गेम प्ले के साथ, बट नहीं हंटर ने यहाँ पर रोक दिया है शिवम भाई को। और गाइस क्या ही गंदा वाला हेडशॉट के साथ हंटर खत्म किया है शिवम भाई को, एकदम लवली यार। तो चलो यार आ चुका हम एकदम 11th राउंड पर, क्योंकि 6-4 मतलब 10 राउंड खत्म हो चुके हैं, और इनमें से 6 राउंड शिवम भाई के नाम आ चुके हैं और 4 राउंड डिजर्विंग प्लेयर्स के नाम आ चुके हैं। और अभी देखते हैं भाई क्या हो सकते हैं, क्या इस बार भी हम लोगों को खतरनाक खतरनाक हेडशॉट दिखने को मिल सकता है या फिर नहीं। बट पिछले राउंड हंटर ने जो हेडशॉट मारा था, और ये भाई पिछले राउंड का गुस्सा निकाला है शिवम भाई ने, सबसे पहले हंटर को ही धो दिया। ओ नहीं यार, चारों तरफ से शिवम भाई को कवर करते हुए, क्योंकि यार भाई रूम शिवम भाई को जीतने नहीं देना है, बस सभी बंदे के दिमाग में ऐसा ही घुसे हैं। और ये देखो भाई पूरा का पूरा 8 नंबर के साथ भाई, हयू आयुष भाई भी हो चुके हैं खत्म, बस स्नाइपर आगे आते हुए। और ये देखो स्नाइपर का हेडशॉट, गंदा वाला हेडशॉट खा गया स्नाइपर यार, एकदम लवली शिवम भाई यार। ओपी इन द चैट गाइस, जो भी देख रहे हो सारे बंदे एक साथ ओपी लिख दो यार, कमेंट पर ओपी कर दो, भेज दो भाई, लास्ट प्लेयर बचा है। और क्या लग रहा है कि यार तो लास्ट प्लेयर जो बचा है ना वो शिवम भाई को क्या मार सकता है या फिर नहीं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना ठीक है। तो मेरे ख्याल से शिवम भाई इस राउंड में गेम को खत्म कर देगा, क्योंकि भाई बहुत हो चुके तुम्हारा बारी, अब बारी है मेरी। और सामने ही बंदे वेट कर रहे हैं खत्म करने के लिए। और इसी के साथ साथ शिवम भाई का एस और गेम को ले गया अपने नाम के तरफ से। और गाइस बताओ यार आप लोगों को कौन सा राउंड आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है, तो जरूर कमेंट करके बताना, और वीडियो को एकदम शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक भी कर देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पर।